फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि एक क्वेश्चन आया था कि मैंने बीए अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, मानी मैं बीए अंतिम वर्ष का छात्र हूँ और आगे मेरे लिए क्या करना ठीक होगा। वे कहते हैं कि बीएड करना ठीक होगा या आईटीआई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का उत्तर देने से पहले मैं ये कहूँगा कि मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है, संजय सिंह इंडिया एजुकेशन टीवी 2। तो YouTube पर जाएंगे और संजय सिंह इंडिया एजुकेशन टीवी 2 को भी आप सब्सक्राइब कर लें और उस पर फ्रेंड्स आपको कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो नहीं मिलेगा, वहाँ पर बिल्कुल लाइव मिलेगा। बिल्कुल मतलब कि दैनिक जीवन में जो चीज़ें चलती हैं, लाइव वीडियो हर चीज़ का। तो अगर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें आपको ढेर सारी चीज़ें लाइव बिल्कुल देखने की मिलेगी, तो और जानकारी से भी रिलेटेड चीज़ मिलेगी, ऐसा बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ा तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाला जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादातर यह है कि उसमें लाइव चीज़ें आपको बिल्कुल मिलेगी जो हर इंसान की ज़िंदगी में होती रहती है। तो आप YouTube पर जाकर उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह का कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको मिलेगा, हाँ, ये बीएड, जैसे कि इनका प्रश्न था कि वे बीए अंतिम वर्ष के छात्र हैं और ये करना चाहते हैं, या तो बीएड करना चाहते हैं या आईटीआई, मतलब इनको उलझन है कि कौन सा कोर्स करें तो इनके करियर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएड व आईआईटी दोनों अलग अलग सेक्टर है, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। बीएड करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है, वही आईटीआई की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड है, मतलब उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता चाहिए वो है 8वीं पास। तो दोनों में खासा अंतर है। तो अगर देखिए फ्रेंड्स, आप आईटीआई करना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स समय निकल गया है। अब बीए करने के बाद अब आईटीआई करेंगे, फिर भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आईटीआई कर लेंगे तो आप टेक्निकल क्षेत्र में जाकर आप अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें जॉब पा सकते हैं। अब जॉब मिलेगा ही इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं ही क्या कोई गारंटी नहीं लेता है, वो भी किसी भी क्षेत्र में। अब बीटेक क्यों ना किए हों, चाहे एमबीबीएस एमडी क्यों ना किए हों, आपको जॉब मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है एंड ए लिटिल बिट ऑफ लक फैक्टर, तो ढेर सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड करने के बाद, सॉरी, अगर आप बीए किए हैं और बीएड करना चाहते हैं तो बीएड अध्यापन के क्षेत्र से संबंधित होती है और बीएड में प्रवेश जो होता है वो एंट्रेंस के एग्जामिनेशन के आधार पर होता है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप बीएड कर सकते हैं। और बीएड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको राजकीय पात्रता परीक्षा, जैसे कि टीईटी जिसे कहते हैं, वो देनी पड़ती है और उसको उत्तीर्ण करने के बाद आप जूनियर विद्यालय में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। अगर आपने स्नातक कर लिया है तो आप टीजीटी देकर माध्यमिक विद्यालयों में भी पढ़ा सकते हैं। और तो इस तरह से है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप बीएड कर लेते हैं तो फिर टीईटी क्वालिफाई करिए और जूनियर विद्यालय में पढ़ाइए बच्चों को और अच्छा खासा अर्निंग कीजिए, क्योंकि आजकल तो सरकारी क्षेत्र में अच्छी खासी इनकम मिल रही है, क्योंकि वो सरकारी क्षेत्र का जो टीचिंग जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर से कहीं आगे निकल गया है, क्योंकि उसमें आजकल ज़बरदस्त सैलरी है। और वही फ्रेंड्स, अगर आपने स्नातक कर लिया है, बीएड कर लिए हैं, सॉरी, अगर स्नातक कर लिया है तो आपने क्या किया है, टीजीटी एग्जाम देकर जो माध्यमिक विद्यालयों को भी आप जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आजकल इसमें अर्निंग ज़बरदस्त है फ्रेंड्स, मैंने खुद देखा है पर्सनली लोगों को, जो लोग टीचर हैं जिनके पास, जो पीजीटी टीचर हैं, जो बारहवीं वालों को पढ़ा रहे हैं, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो वो क्या आजकल उनकी 70 से 80 हज़ार रुपये तक सैलरी है। हाँ, ये है कि उनको 8-10 साल पढ़ाते हुए हो गया है, तो सैलरी इसमें आजकल तगड़ी हो गई है। और ये प्राइवेट सेक्टर से कहें तो कुछ हद तक ये आगे भी निकल जाएगा और सेफ भी है।
इसीलिए टीचर के देखते हैं, टीचर की पोस्ट जब भी होती है तो उसके लिए मारा मारी लगी रहती है, क्योंकि लोग भी समझ चुके हैं कि उसमें सिक्योरनेस कितनी तगड़ी है। वैसे भी टीचर का जो जीवन होता है शांत और सरल होता है, इसमें कुछ हाय तोबा नहीं लगी रहती है, ये आपने देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये था कि 12वीं के बाद, अरे सॉरी, जो क्वेश्चन का आंसर आया था उसका हमने उत्तर दिया। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन का उत्तर दूंगा, क्योंकि आजकल ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और लोगों को कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मेरे अगले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संजय सिंह इंडिया एजुकेशन TV2 को, उसमें आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी बिल्कुल लाइव चीज़ों की, और पैसे कमाने के भी कुछ तरीके उसमें मैं बता दिया करूँगा, ताकि जो स्टूडेंट को पैसे कमाने का कोई झाम ही न रहे। यानी झाम मतलब फ्रेंड्स, पता नहीं वर्ड आप लोग जानते ही नहीं, ये बनारस में ज़्यादातर यूज होता है झाम। तो बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी, पूरा देश विदेश बनारस से लेके कैसे क्या होता है, पूरा मैं किस एरिया में रहता हूँ बता दे, उसमें आपको पूरा लाइव मिलेगा, पूरा मैं आपको लाइव दिखाता रहूँगा पूरा, तो बहुत सारी चीज़ उसमें आपको अच्छी मिलेगी और बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप टीचिंग से वाले वीडियो देखकर उब गए हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, संजय सिंह इंडिया एजुकेशन TV2। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।